थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, समय आ गया है अब उनको सुनने का जिनके लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एंड ही इज द नेशनल सेल्स हेड, पर मेरे लिए वो इंसान मिस्टर प्रशांत प्रेम, वो मेरे लिए 23 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। सिंपल, फोकस्ड, क्लियर, प्रेजेंटिंग टू ऑल ऑफ अस, हम सब जिनका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। लेट अस मीट आवर वेरी बिलवेड कंट्री हेड, नेशनल सेल्स हेड, मिस्टर प्रशांत प्रेम। प्रशांत जी, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम प्रशांत जी, वेलकम सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू वेलकम। पूरा होलिया बदल गया सर, होलिया बदल गया। वेलकम सर। कोविड ने कई कुछ चीजें साफ कर दी हैं, तो हमने कहा थोड़ी। ग्रेट सर। चलो अब पहले तो कंग्रेचुलेशंस पूनम जी को, उसके बिना तो आज मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। मतलब आज का दिन वाकई स्पेशल है। वाकई पूनम जी आपने सही कहा, मुझे वो पार्क स्ट्रीट के दिन याद आ रहे हैं जब पूनम जी तब भी ऐसी थी वैसे ही हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता पूनम जी कितने साल बीत गए, साल बहुत बीत गए हैं, बट वक्त थमा हुआ है कलकत्ता में। संजय जी और पूनम जी और हमारे जितने भी पुरानी लीडरशिप है, वैसे के वैसे ही एनर्जेटिक, वही पैशन, वही जज्बा, वही जुनून। So congratulations Poonam ma'am, aapko bahut bahut congratulations aapke GBD ke। Thank you sir, dedicated to you। My pleasure ma'am, my pleasure। Aur Sanjay ji and always aapko special pranam। Main to keh raha hu aap nahi hote to aaj shayad East India hi nahi hota, aur East nahi hota to Bharat nahi hota। Rajdhani mein nahi aaye hote, dabbe le jaaye nahi le gaye hote, aur wo nahi kiya hota jo aaj log center pe aane pe hichkachate hain, aalas karte hain। Aap to Kolkata se Delhi aage train mein baith ke samaan lekar jaate the। तो आपको भी बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम संजय जी। थैंक्स टू यू बी देयर विद अस ऑलवेज। और आज मोदी केयर अगर है तो आप और आप जैसे लीडरशिप की वजह से ही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चलिए जी, शुक्रिया। और संजय जी ने कहा रोड क्या है, संजय जी टॉपिक क्या आज का? रोड टू आजादी है सर, एक ही तो टॉपिक है। अच्छा, मुझे ना जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं अपना टॉपिक तभी सुनता हूँ जब जब मीटिंग शुरू होती है। गलती संजय जी की नहीं, संजय जी तो मुझे पहले ही बता देते हैं टॉपिक क्या, लेकिन मैं सुस्त हूँ, आलसी हूँ, मालूम नहीं, समझ नहीं आता क्या है। लेकिन अभी मैंने टॉपिक सुना, आज मैं रोड टू आजादी के बारे में बात करूँ। क्या बात सर, क्या बात। और अगर थोड़ा बहुत भहक जाऊं रोड टू आजादी से तो माफ करिएगा, गलती दोबारा कह रहा हूँ हमारी लीडरशिप की नहीं होगी, वो मेरी होगी, क्योंकि मैंने आज टॉपिक अभी सुना। तो मैंने अभी जब 5 मिनट में जब आपने आज गाना चलाया, 8 बजे में आया, तब तक 10 मिनट मैंने कहा फटाफट स्लाइड बना लेता हूँ। तो मुझे भी याद नहीं मैंने क्या बनाया, जो बनाया आज आपको दिखाऊंगा। और कोशिश हमेशा की तरह ये करूंगा कि कोई ऐसी ज्ञान ना बांटूं जो सुनने में अच्छा लगे लेकिन मेरे किसी काम का ना। मैं कई मीटिंगें सुनता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और आज मैं आपके साथ दोबारा एक दोस्त की तरह ही बात करूंगा, ये कंपनी की तरह नहीं बात करूंगा। बिकॉज देखिए, कंपनी की तरह बात करने के लिए तो हमें कई मौके मिलेंगे, लेकिन आज मैं फिर से मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे एक अपलाइन की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह बात करूं, और आपके साथ जो भी शेयर करूं बिना किसी बायस के शेयर करूं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल हम दोबारा मिलेंगे, और जब मिलेंगे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो सुनने में अच्छा था लेकिन काम नहीं करता। ठीक है जी, तो शुरू करें संजय जी, अगर आपकी परमिशन हो। बिल्कुल सर, सर, सर। थैंक यू सो मच। और मैं एक प्रेजेंटेशन डाल रहा हूं, संजय जी मुझे बताइएगा ये आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है सर, स्टार्टेड। चलिए जी, ये जो शेर है ये कभी शेर था, कोरोना ने बिल्ली बना दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम भी कभी शेर थे, हम भी कभी राजा थे, लेकिन ये वो कहते ना, ये ससुरा ऐसा कोविड आ गया है कि पिछले साल तो हिले ही थे, इस साल तो बिल्कुल ही बौखला गए, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। और पहले शुरू हुआ महाराष्ट्र में, लोगों ने कहा चलो यार महाराष्ट्र में दिक्कत है, हम तो सेफ हैं। मैं 15-20 मैं करीबन आई थिंक 1 महीना पहले राजस्थान गया मीटिंग करने, वो मेरी पहली और आखिरी मीटिंग थी कोविड खुलने के बाद फिजिकल। तो मैंने बड़ी हिम्मत जताई, मैंने कहा भारत बैक टू नॉर्मल हो गया है, और लोगों ने भी कहा सर आप अब निकलिए घर से बाहर, सर सब कुछ नॉर्मल हो गया, घबरा क्यों रहे हो। तो मैंने बड़ी हिचक से निकला, जब निकला तो मैंने कई शेर देखे, एयरपोर्ट के ऊपर कोई मास्क नहीं, सब राजा की तरह, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे कोविड कभी आया ही नहीं था। अच्छा, मैं राजस्थान पहुंचा, 2-2.5 हजार लोगों की मीटिंग लोगों ने ऑर्गेनाइज करी हुई थी, हॉल में 1,500 लोगों की जगह। मैंने कहा सर ये क्या,
मास्क क्यों नहीं पहना आपने? अच्छा मैं मास्क पहन के बोल रहा हूँ स्टेज पर, सोचिए मैं स्टेज पर मास्क पहन के बोल रहा हूँ लेकिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, लोगों ने कहा सर कोई कोविड नहीं है सर यहाँ सब ठीक। वो ऐसी सर वो पहले था सबको नॉर्मल है। और जेंटलमैन आज हालत देखिए, मतलब आज हमने जो हम लोगों ने और इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो लापरवाही करी है, जो राजा बाबू बन गए हम, जेम्स बॉन्ड बन गए और डॉक्टरों की नहीं सुनी, एक्सपर्ट्स की नहीं सुनी, मास्क नहीं पहने, मास्क पहने भी तो नाक के नीचे पहने, एक नया फैशन आया कोविड के टाइम पर, पहले तो लोग ऊपर तक पहनते थे, अभी नया फैशन आया नाक के नीचे पहनने का, ये जो सब हमने लापरवाही बरती, आज आप हालत देखिए, हॉस्पिटल में जगह नहीं। मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिनको बिस्तरा नहीं मिल रहा, कैपिटल ऑफ द कंट्री इंडिया में दिल्ली में बिस्तरा ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं है, यही हालत वेस्ट बंगाल में भी होगी, यही हालत बाकी जगह भी होगी, बिस्तरा ही नहीं है। ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर है, मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, गलती हम सबकी है, हम सबकी गलती जो हम लोगों ने आज इसकी परिस्थिति इस देश में दोबारा पैदा करी। और ये जो परिस्थिति हमारे भारत में है ये आज कहीं और नहीं, किसी भी देश में नहीं, एक देश और है ब्राजील, अमेरिका ठीक हो गया, चाइना तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, अमेरिका भी नॉर्मल हो रहा है, कई देश नॉर्मल हो रहे हैं, हाँ सावधानी बरत रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज शेर बिल्ली बन चुका है, लेकिन आज भी ऐसे शेर हैं जो शेर ही रहेंगे। हमारे पास जब 2020 में पहली बार कोविड आया बड़े लोग घबराए, एक पहला एक्सपीरियंस था, कई लोग घबराए कि अब क्या होगा, बहुत लोग उस घबराहट में कुछ नहीं कर पाए, बहुत लोग गरीब हो गए, बहुत लोगों ने अपना काम छूट गया, बहुत लोगों की आमदनियां कम हो गई, बहुत लोग गरीब हो गए, लेकिन बहुत लोग अमीर हो गए और अच्छी तरीके से अमीर हुए, ब्लैक मार्केटिंग करके वैक्सीन के अमीर नहीं हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करके अमीर नहीं हुए, गलत तरीके से अमीर नहीं हुए, अच्छे तरीके से गर्व के साथ अपना टैक्स देकर अमीर हुए। और जो पिछला साल मोदी केयर ने देखा, मैं उन नंबर्स में दोबारा नहीं जाऊंगा बिकॉज हम कई बार सुन चुके हैं और हम जानते हैं कि आज मोदी केयर कहां स्टैंड करता है। कुछ लोग शेर शेर ही रहे, कुछ लोग शेर से बिल्ली बन गए और आज तक बिल्ली, कुछ लोगों का नामो निशान मिट गया। और इस समय जो कोविड आया है ये इतना खतरनाक है, ये पिछली बार से ज्यादा खतरनाक कोविड है, हम सब जानते हैं। मैं आज आपको न्यूज पढ़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा, हम सब लोग अखबार और पेपर और न्यूज में देख रहे हैं, आज ऐसी हालत हो गई है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या कर, डॉक्टर रो रहे हैं, हॉस्पिटल टूट चुके हैं, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट नहीं समझ पा रहा क्या करें। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मेरा डायग्राम नहीं है, ये रियल टाइम डायग्राम है जो मैंने कल निकाला है। अगर आज आप इस डायग्राम को देखेंगे आंकड़े ऊपर बढ़ चुके होंगे मौतों के और बीमार लोगों के। और ये जो वैक्सीन, ये जो वायरस आया है डबल म्यूटेंट, और वेस्ट बंगाल में मैंने सुना ट्रिपल म्यूटेंट वायरस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज हालत खराब है और अभी तीसरी वेव आनी बाकी है। हमें लग रहा है भैया ये पीक होगा सब ठीक हो जाएगा, सर 15-20 दिन की बात है, नहीं होगा ठीक अभी। ये किसी भी वायरस का साइंस बताती है, जो स्पेनिश फ्लू में हमने देखा कि पहला वेव आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, तीन बड़ी वेव आती है, ये दूसरी चल रही है। दिल्ली में कहते हैं चौथी और पांचवी वेव है, मुझे पता नहीं कलकत्ता या बिहार में या जहां भी आप बैठे हैं वहां कौन सी वेव चल रही है, लेकिन बड़ी बड़ी वेव्स में अगर हम देखें ये दूसरी वेव, और तीसरी वेव आएगी दूसरी वेव खत्म होने के बाद, भगवान करे तब तक चाइना हमें कोई नया वायरस ना दे। ऑलरेडी कर रहा है वो एक्सपेरिमेंट कुछ नए वायरसेस से एज पर WHO रिपोर्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये हमारी हालात है, ये हमारा माहौल है, लेकिन क्या हमें घबराना चाहिए? हाँ हमें बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। कोई भी नहीं बचा पाएगा अगर हम जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर ही नहीं बचा पा रहे, बड़े से बड़े डॉक्टर तो हम भी नहीं बचा सकते, आपका अपलाइन भी नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता, समीर सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग अपने आप का देखभाल खुद नहीं करेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर काम नहीं करेंगे। और ये जितना प्रवचन मैंने आपको शुरू में दिया, मैं इसलिए दिया बिकॉज क्या आजादी, जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या आजादी होगी, जब जाकर 20-25 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे बिना ऑक्सीजन के तो क्या आजादी, ऐसी आजादी चेक बढ़कर भी आएगा तो क्या फायदा होगा, सिर्फ बैंक में डालने के लिए थोड़ा होता है चेक, चेक तो एंजॉय करने के लिए होता है, मजे करने के लिए होता है, मौज मस्ती के लिए होता है। अमीर किसको कहते हैं? अमीर वो नहीं कहते जिसके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं और वो खुद गरीब है।
अमीर उसको कहते हैं जिसके पास पैसा और एंजॉय भी करता है। और पैसे को एंजॉय करने के लिए समय चाहिए, जो आपको मोदी केयर देता है। ये बेसिक सब हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या मोदी केयर का बेसिक क्या है, समय की आजादी, रुपए की आजादी, इज्जत की आजादी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ आंकड़े हैं। और क्या हमें आजादी चाहिए? कई बार लोग कहते हैं नहीं सर, मैं तो जो है वो सब ठीक है, आपने सुना होगा जो दिया भगवान ने बहुत है, इतना मिल गया हम तो बहुत इसमें खुश हैं। तो पता नहीं, मैं तो इन बातों में मानता नहीं। ये जितनी लोग बातें करते हैं जो मिला उसमें खुश हैं और शहर में रहते हैं और नौकरी करते हैं, अपने मेट्रो में बैठकर या बस में बैठकर या ट्रेन में बैठकर दफ्तर जाते हैं, वो इसलिए करते हैं बिकॉज जिंदगी में और चाहिए। ये सब झूठ है कि मुझे जितना मिला वो ठीक है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जिनकी सोच ये होती है कि जो है बहुत है, वो शहरों में रहते ही नहीं लोग। वो लोग किसी जंगल में कॉटेज ले लेते हैं, किसी छोटे गांव में शिफ्ट कर जाते हैं, उनको चाहिए ही नहीं। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो उस तरीके की जिंदगी बिताते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मुझे आजादी चाहिए? क्या मैं आजाद हूं? मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं कुछ। ये देखिए, ये एक मेन्यू कार्ड है, ये खाने का मेन्यू कार्ड है ITC होटल, जो कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है और कई बड़े शहरों में है। उसके रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, उसके रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, तंदूरी शिमला मिर्च ₹1675 प्लस टैक्स। तंदूरी शिमला मिर्च, मुझे मालूम नहीं कलकत्ता या दिल्ली में छोटे रेस्टोरेंट में कितने की मिलती होगी, घर में कितने की बनती होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। 1675 प्लस टैक्सेस, करीबन 18%। दाल ₹900, एक गुलाब जामुन ₹575। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तंदूरी रोटी ₹210 प्लस टैक्सेस। और ये भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है, जिसको हम बुखारा के नाम से भी जानते हैं। बुखारा, ये इसका जो 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 मेन नाम है बुखारा। और बुखारा रेस्टोरेंट में जाना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और आप जब जाएंगे वो भरा हुआ मिलेगा, ऐसे नहीं वहां लोग नहीं आते, वो भरा हुआ होता, उसमें जगह नहीं मिलती। दिल्ली में बुखारा में अगर आपको खाना हो, ITC का जरूर, कलकत्ता में भी बुखारा का रेस्टोरेंट होगा, 100% होगा मेरे हिसाब से। आप जाइए, आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, अभी तो कोविड चल रहा है, अभी मत जाइए, लेकिन कोविड होने के बाद आप जाने की कोशिश करिएगा, खत्म होने के बाद आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और मैं तो अभी, जब आप ये देखेंगे, अभी चीजें दिखोगी फिर से लोग वैसे हो जाएंगे, जाना शुरू कर देंगे बाहर, तब भी आपको यहाँ पे खाना खाने को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्या अगर हम इस रेस्टोरेंट में जाएं तो क्या मेन्यू कार्ड देखकर कंफर्टेबल फील करेंगे? अगर जवाब है हाँ, तो वेरी गुड जी, आज आप मीटिंग टाइम पास करिए, बिकॉज आपने आपको चेक कमाने के तरीके बेसिकली बताने वाले, चेक के साथ साथ खुशियां बताने के तरीके बताने वाले। आप खुश हैं, परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप आजादी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट पा चुके हैं, आप जिंदगी में अराइव कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर जवाब नहीं, आप कहेंगे तो बेवकूफी है सर, नान ₹1675 का खाना प्लस टैक्सी, ये तो बेवकूफी है सर, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और भारत में कितने लोग इस रेस्टोरेंट में जा पाते होंगे, आप सोच लीजिए, ये कोई विदेशी रेस्टोरेंट नहीं है, ये सब रुपए में लिखा हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तीन घड़ियां आपके सामने हैं, एक एक्सपीडिया की घड़ी है, पते फिलिप की घड़ी है, ये सबसे लाइट वाली घड़ी, बिल्कुल पूनम जी सही कहा, ये घड़ी जो है करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का मॉडल है ये वाला। तो अगर हमें घड़ी पहननी हो, एक्सपीडिया की घड़ी आई थिंक 300-400-600 रुपए की आती है अमेजोन की ऊपर, हम कौन सी घड़ी पहनना चाहें, कौन सी सुंदर लग रही है? कुछ लोग कहेंगे सर एक्सपीडिया चाहिए, वेरी गुड, हरिद्वार जाने का समय आ गया है, लेकिन काफी लोगों को मेरे हिसाब से ये दूसरी और तीसरी घड़ी ज्यादा पसंद आ रही है, सुंदर भी है, मजे भी दार है। और ये घड़ी पहनने से ही आपको लगेगा अराइव कर रहे, ये घड़ी बहुत है, 2.5 करोड़ की घड़ी वो पहनता है जिसके पास सरप्लस पैसा है, राइट? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें कौन सी घड़ी चाहिए और हम कौन सी अफोर्ड कर सकते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछ। तो अगर हमें लगता है कि नहीं जी वो पते फेले पली घड़ी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, 2.5 करोड़ क्या है सर, ये तो इतना में तो मैं कोविड में दान दे आया सर, ऑक्सीजन के सिलेंडर दान दे के आया हूँ, मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, रुपया कमाता हूँ, दान भी देता हूँ, तो जी जय हो आपको। आप कह नहीं सर, मेरे तो मुझे खुद के लिए सिलेंडर के पैसे नहीं मिल रहे, मैं कहाँ दान देने की बातें करूंगा, मेरे पास खुद ही पैसे नहीं है इंजेक्शन लेने का ₹30,000 का, तो अभी आजादी नहीं आई है। और ये बड़ी मजबूरी वाली जिंदगी होती है। अभी मेरे एक दोस्त को इंजेक्शन चाहिए,
उसका नाम मैं भूल गया, आर से शुरू होता है, अगर आप में से कोई प्रोनाउंस करता हो जानता हो, आर से रेंडाइजर क्या क्या बोलते हैं, मेरे को नाम मालूम नहीं। आर इंजेक्शन मिल नहीं रहा, दिल्ली में 25,000 से 30,000 रुपए का इंजेक्शन मिल रहा है, उसका इतना दाम नहीं है। वो कह रहा मुझे इंजेक्शन चाहिए, जान दावे पे है लेकिन जेब में रुपए नहीं, खरीद नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये हालत है। और आजादी का सही मामला बुरे दिनों में पता चलता है कि मैं कितना फाइनेंशियली या फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग हूं, वो इन दिनों में पता चलता है। जो आदमी सेट होता है ना, सेट, वो ऐसे दिनों में घबराता नहीं है। घबराता हुआ है जो बिल्कुल हिला हुआ है, जिसके जिसके आर्थिक जिसकी जिसकी फाउंडेशन भी कमजोर है। एक तस्वीर और देखिए, कौन सी गाड़ी पसंद करूंगा मैं, दोनों लाल रंग की गाड़ियां, एक 2 करोड़ की है, 5 लाख की है। आप कहेंगे दोनों में बराबर है सर, देखने क्या फर्क पड़ता है सर, कलकत्ता में तो ट्रैफिक इतना है, वो 5 लाख की गाड़ी ठीक है सर। तो अगर ऐसी सोच है, मुबारक हो आपको, जय हो आपकी। लेकिन आप कितनी मर्जी बड़ी भरे बाजार में या भीड़ की में फरारी गाड़ी चला लीजिए, इस गाड़ी की इंजन की वजह ऐसी होती है, सारी दुनिया आपके लिए रास्ता बनाती, अरे गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, लोग रास्ता बनाएंगे आपके लिए, सामने रिक्शा वाला नहीं आएगा, रिक्शा वाला भी हट जाएगा, बिकॉज उसको पता ही है कोई बहुत बड़ा आदमी जा रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको बोलते हैं आजादी है कि नहीं? ये दोनों स्कूल हैं, कैसे स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहो? चलो मैं कहता हूँ सर मैं तो सन्यासी बाबा बन चुका हूं, लेकिन बच्चों को तो आप चाहते हो जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें। दोनों स्कूल हैं, एक बाएं हाथ पर वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है, ये भी अच्छा स्कूल है, दाएं हाथ पर दोनों शिक्षा के मंदिर हैं। कैसे शिक्षा के मंदिर में भेजना चाहोगे? कहां लक्ष्मी आपको लगता ज्यादा वास करती है, और कहां ज्यादा अच्छे कहां पाएगा आदमी पढ़ने के बाद? एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, एक दिल्ली के पीछे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे होते हैं, आजकल बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मुझे अपने बच्चे को भेजना हो तो मैं हार्वर्ड स्कूल में भेजना चाहूंगा, लेकिन क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इतना रुपया है कि मैं अफोर्ड कर पाऊं? मैं कैसा परिवार बनना चाहता हूँ? खुशियों भरा है, दुख भरा? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब सवालों के जवाब हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को पूछना है। क्यों? बिकॉज जो आदमी अपने आप से बहुत सवाल करता है, अपने आप से सवाल करिए, दूसरों से छोड़िए, भारत में लोग दूसरों से ज्यादा सवाल करते हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कोविड कैसे फैला? भैया आपने तो मास्क पहना नहीं 4 महीने, और पहना भी तो नाक के नीचे, अब आप जाके सरकार से पूछ रहे हैं कोविड कैसे फैला? तो ये अपने आप से सवाल करना है, बाकियों से बाद में सवाल करें। जो इंसान अपने आप से रोज सवाल करता है ना, लगातार सवाल करता है कि क्या वो अपने आप के साथ जस्टिस कर रहा है, वो इंसान हमेशा ज्यादा तरक्की करता है। ये देखिए, एक इंसान की कीमत मैं पहले 4,000 करोड़ समझता था, लेकिन अभी मैंने रिसेंट स्टडी किया, ये अपोलो हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स का आपने नाम सुना होगा, ये उनका रिसर्च है कि अगर पूरी बॉडी को बनाया जाए, हर अंग को बनाया जाए मशीन में, फैक्ट्री में हमारी बॉडी को बनाया जाए, तो हमारे शरीर का जो दाम है वो 6 लाख करोड़ $US का, 6 लाख करोड़ $US, और $1 तकरीबन 75 रुपए का। आप 6 लाख करोड़ को 75 से गुणा कर लीजिए, ये आपके और मेरे शरीर का दाम है। लेकिन 6 लाख करोड़ रुपए में निकालने के लिए 75 से गुणा का हाल देखते हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। एक आम इंसान लगभग कर्जे में डूबा रहता है, लोन में डूबा रहता है। जो कमाता है उससे घर नहीं चलता, जितना कमा लूं अल्टीमेटली लोन लेना पड़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो एक 6 लाख करोड़ का जिस्म, आप जानते हैं भारत में जो औसतन है 30-40 हजार रुपए कमाने वाला आदमी बहुत कम लोग हैं भारत में। ये तो आज मोदी केयर में हमको लगता है लाख रुपए कमाना मजाक है, लेकिन आप छोटे गांव में चले जाइए या शहरों में चले जाइए, 50,000 रुपए कमाने वाले लोग हमें नहीं मिलेंगे, जो महीने का 50,000 रुपए कमा ले है ही नहीं लोग। और 90,000 रुपए अगर आपने कमा लिए भारत में तो आप अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, 90,000 रुपए महीना कमाने। मोदी केयर में तो लाख रुपए से नीचे हम बात ही नहीं करते आजकल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा हाल है 6 लाख करोड़ के जिस्म का। भगवान ने हमको ऐसा जिस्म दिया जिसमें हम पता नहीं कितनी करोड़ों BMW खरीद लें, लेकिन हमेशा दिक्कतों में रहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम अपने आप से सवाल ही नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं करते अपने आप। अपने आप को कभी भी, वो कहते हैं ना फौज में, रगड़ा नहीं देते। और जो आदमी अपने आप को रगड़ा नहीं देगा ना, मतलब अपने आप को नहीं खींचेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं खींचेगा, अपने पोटेंशियल को नहीं खींचेगा,
वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता। कितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लीजिए, जूम पे आ जाइए, नोट्स बना लीजिए, ताली मार दीजिए, वाह वाह कर लीजिए, बड़े बड़े मोटिवेशनल गाने सुन लीजिए, आग लगाने वाले गाने सुन लीजिए, आग लगाने वाली कस्में खा लीजिए, आजादी नहीं मिलेगी। आजादी तो तब मिलेगी जब मैं अंदर से जागरूक होऊंगा। सिंगापुर जाइए, कोई गंदगी नहीं है, पुलिस नहीं दिखती, लोग तो भी कचरा सड़क पे नहीं फेंकते, क्योंकि आदमी अंदर से जागरूक है, बाहर से जागरूक नहीं है, पुलिस कितना डंडा कर लेगी। जो आदमी अंदर से जागरूक नहीं है, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था कल यूट्यूब पे, झगड़ा हो गया, ऐसे अब आजकल काफी वीडियो आने लगे हैं, मास्क नहीं पहना, पुलिस से झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया। मैं क्यों इंतजार करूं पुलिस के पकड़ने की, मैं खुद क्यों नहीं जागरूक? तो जो आदमी खुद से ही जागरूक नहीं है, जेम्स बॉन्ड है, और जब हॉस्पिटल जाओगे और कमरा बिस्तर नहीं मिलेगा, जो आदमी खुद से ही जागरूक नहीं है वो कैसे आजादी पाएगा? पूनम जी आप कुछ कह रही थी? नहीं सर, आई एम एंजॉयिंग योर सेशन। ओके, तो ये कुछ सवाल हमें अपने आप से करने। तो कोरोना आए, कुछ भी आए, लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए कुछ चीजें तो हमारे हाथ में है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी मास्क पहन लीजिए तो भी कोरोना फैलेगा, लेकिन कम फैलेगा। कोरोना की बीमारी आएगी, हाँ, हमारा हालत खराब कम होगी, जो आज हो रही है उससे कम होगी। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम कुछ चीजें सही करें तो आजादी पा सकते हैं। और ये मोटिवेशनल बातें मैंने इसलिए करी बिकॉज संजय जी ने कहा जी आज का टॉपिक है पाथ टू सक्सेस, आजादी। लेकिन मैं तो आज कोई और ही टॉपिक बना के लाया था, आज मैं बना के लाया था पाथ टू बर्बादी। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मैं अपनी हर मीटिंग में दिखाता हूँ। एक साधु बाबा है, सब कुछ खो चुका है, जो थोड़ा बहुत था बचा है वो भी कोरोना ले गया। ये देखिए परिवार में प्रेम प्यार मोहब्बत, छह छह सात सात लोग मोटरसाइकिल में बैठे हुए हैं, ऐसे भी परिवार हैं। कितना मर्जी पति मुस्कुरा रहा है इस फोटो में, अंदर से तो खुश हो ही नहीं सकता, बिकॉज 45 डिग्री में या बारिश में मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठ के जाने में प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ती। ये पिक्चरों में अच्छा लगता है कि शशि कपूर गाना गा रहा है, अमिताभ बच्चन गाना गा रहा है, क्या मौसम है, मजा आ रहा है, ये पिक्चरों में अच्छा लगता है, असली में तो बड़ी दिक्कत है। आप जानते हैं ना कलकत्ता में, सोचिए आप, बारिश में छह छह लोग मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे हैं, दिल्ली बैठ के जा रहे हैं, और सब लोग ये चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको आजादी नहीं बर्बादी के रास्ते बताने हैं। अब सब जगह बर्बादी बर्बादी है, तो आज मैं आपको बर्बादी के रास्ते बताता हूं। ये टॉपिक मुझे कैसे आया है, मैंने कल किसी को फोन किया, मैंने कहा क्या हाल है, कह रहा सर सब बर्बाद है। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा सर सब बर्बाद, सब खत्म हो गया सर, क्या होगा सर, भगवान कहां चले गया सर? अच्छा मास्क कभी भी नहीं पहना हुआ उसने, भगवान को याद कर रहा, भगवान कहां चले गया सर? बिना मास्क के बहुत पहले मास्क तो पहन लो, तो भगवान क्या करेगा, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको पाथ टू, मैं आज आपको बताऊंगा गरीब होने के रास्ते, और मैं आपको 18 रास्ते बताऊंगा, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी आप गरीब हो जाओ। और अगर आपको गरीब नहीं होना तो सुनिए, ऐसा नहीं कि आप अभी जूम से हट जाए, नहीं नहीं सर, हम तो अमीर होने आए, हमें गरीब नहीं होना, तो मैं तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ आज मीटिंग, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना। तो सुनिए, बिकॉज हम कभी ना कभी जिंदगी में गरीब होने के काम खुद ही करते हैं, तभी हम गरीब रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हर आदमी विराट कोहली होता, हर आदमी संजय बगाड़िया होता, हर आदमी पूनम बिंदल होता, हर आदमी सुरेखा भारती होता, तो ऐसा नहीं है ना। इसलिए नहीं बिकॉज भगवान ने हमारे साथ कोई तथास्तु काम किया, या भगवान ने हमारे साथ कोई ऐसी नाइंसाफी कर दी कि पता नहीं हमारे माँ बाप ठीक नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक था, लेकिन हम काम कभी कभी गरीब होने के कर रहे हैं। तो सुनिए तब भी, लेकिन अगर गरीबी पसंद करते हैं तो आज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा, गरीब बना दूंगा मैं आपको। इस मीटिंग के बाद जो बचा है जेब में वो भी खत्म हो गया, ठीक है जी? अच्छा, मैंने सुना जब ऐसे टॉपिक होते हैं लोग सुनते हैं ध्यान से, ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे न्यूज डलाता है, भारत खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, हॉस्पिटल बर्बाद हो रहे हैं, वो आदमी सुनता है ऐसी न्यूज, आप न्यूज सुनिए आजकल ऐसी न्यूज आती है, सब खत्म हो गया है इस देश में। जो अच्छी न्यूज है, जो बेचारा आपको अच्छी तरीके से बता रहा है, उसको कोई नहीं सुनता। मेरा एक दोस्त है जो न्यूज चैनल में काम करता है, मैंने कहा तुम ऐसी न्यूज क्यों बताते हो, डर लग रहा है मर जाएगा डर के मारे, कह रही बिकता यही है, डर ही बिकता, डर ही बिकता।
जब तक कहते रहे लोग मास्क पहनो तब तक तो कोई नहीं पहनी। आप देखिए बाहर जाइए दिल्ली में, हर आदमी मास्क पहन के घूम रहा, क्योंकि सबको पता मर जाएंगे भैया। रोज अखबार में न्यूज आ रही है, आज 500 लोग मर गए, हॉस्पिटल में सिलेंडर खत्म हो गए, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो गई। अब लोग डरे हुए और डर के आगे जीते हैं। तो आज मैं आपको खूब डराऊंगा, मतलब आज आपको मैं हॉरर पिक्चर दिखाने वाला हूँ, लेकिन वैसे ड्रामे शक्ल मकले नहीं बदलने वाला अपनी, ठीक है? ऐसे कोई सिंग विंग नहीं निकालूंगा जिससे अंधेरा भी मत करिए कमरे में, नहीं तो ज्यादा डर जाओगे। लाइट पर डाउन करके रखिए और सुनिए ध्यान से, 18 तरीके गरीब होने के, और बड़ी जल्दी जल्दी बताऊंगा ये सेशन। अगर मैंने लंबा कर दिया तो आज आप शायद कोरोना कुछ करे ना करे, ये सेशन आपको कुछ कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहला तरीका। अब जो मैं कह रहा हूं उसे गरीब बनोगे। देखिए कभी नहीं सोचना आप सफल हो सकते हो, सोचना ही नहीं। ये सब सोच बदलो, खुद को बदलो, विकार की बातें हैं। सोचो मैं गरीब ही रहूंगा, सोचो मुझे कभी जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। अपने ऊपर डाउट रखना है हमेशा, अपने अपने आप पे हमेशा अशंका नहीं। और मीटिंग में चाहे कितने मर्जी सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो के नारे लगा दो, अपने अंदर अशंका बनाए रखिए। हमेशा ऐसा सोचिए कि दूसरा कर लेगा लेकिन शायद मेरे बस की बात नहीं, इस बार शायद मेरा गोवा वाइजा क्वालिफाई नहीं होगा, मैं शायद वो नहीं बन सकता जो मेरा प्लान कहता मैं बन सकता हूं। ये अशंका अपने अंदर बनाए रखिए, गरीबी का पहला फॉर्मूला है। जहां आपके अंदर ये विश्वास आ गया कि मैं करूंगा, कर सकता हूं नहीं, कर सकता नहीं, मैं करूंगा, करूंगा और कर सकता में बहुत फर्क होता है, आप अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गरीब रहने का पहला पॉइंट, अपने ऊपर अशंका बनाए रखिए। आप सफल नहीं हो सकते, मैं सफल नहीं हो सकता, ऐसा सोचना जरूरी है। दिन में अगर आप 10 मिनट भी अपने बारे में ऐसा सोच लें, आपकी स्पीड ब्रेकर बन लग गए सड़क के ऊपर आजादी। और अगर आप ऐसा सोचते नहीं है, उल्टा सोचा आपने, उल्टा सोचा, सोच बदलूंगा, कुछ कुछ करूंगा, करना है, तो आप अमीरी की तरफ पहला रास्ता उठा लो, आजादी की तरफ पहला रास्ता उठा लो। कोई भी चीज ह्यूमन स्पिरिट के सामने बड़ी नहीं हो सकती। आप देखिएगा, ये कोरोना का समय भी निकल जाएगा, आज से कुछ सालों बाद लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे किताबों में कि एक जमाने में एक वायरस आया था, दुनिया हिल गई थी, हमारे बच्चों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री होगी हिस्ट्री। ह्यूमन स्पिरिट, इंसान की स्पिरिट इतनी पावरफुल होती है, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर ले लीजिए, स्पेनिश फ्लू ले लीजिए, कुछ कई एग्जांपल ले लीजिए, अपना अपनों का पर्सनल करीबी लोगों का खोना और लगना कि दुनिया चल नहीं सकती क्योंकि मेरा करीबी इंसान मैंने खो दिया, दुनिया कभी नहीं थमती, लेकिन चलाता वो है जिसको अपने ऊपर अशंका नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फेलियर बनने का पहला पॉइंट, अशंका बनाए रखिए। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, हमेशा फेलियर से डरना है। देखिए फेल हो जाओगे, बचपन में कितनी डांट पड़ती थी माँ बाप से, पड़ती थी कि नहीं? आज भी कुछ माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं फेल होने पर। देखिए फेलियर से डराओ, फेलियर बड़ी खराब चीज है, फेल होना देखिए सोचिए कितनी बेइज्जती वाली चीज है। फेल हो गया मैं, 4 लोगों से मैंने ना सुन ली, क्लास में फेल हो गया, कोशिश करी नहीं हुआ, तो फेलियर से डरे रहना गरीब होने का दूसरा पॉइंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसने फेलियर से डर हटा दिया, जिसको फेल होने से डर नहीं लगता, वो अमीर हो जाएगा। तो अगर आपको फेल होने से डर लग रहा है तो बिल्कुल सही रास्ता पकड़ लिया सर, गरीबी की राह पकड़ ली है, तो थोड़ा बहुत रह भी जाएगा जेब में, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी में 99% ही दे पाया मैं आपको इन पॉइंट्स के साथ, बाकी बचा 1% कोरोना ले जाएगा, प्रॉमिस। तो फेलियर से डरो, फेलियर खराब चीज है। किस कोई भी आपकी टीम में आदमी कोशिश करे ना कर पाए, छोड़ दो उसका हाथ, कोशिश करने वालों के साथ नहीं चलना, सिर्फ टाइटल और बीवी करने वालों के साथ चलना, बस यही करना है, फेलियर ही फेलियर। जहां अपने लोगों को फेलियर होने पर डांटा नहीं, मोटिवेट किया, कुछ नहीं होता दोस्त, लगे रहे, एक दिन 52 पत्तों में 4 इक्की आएंगे जरूर, कोशिश कर
कोशिश कभी नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं हारनी। आज नहीं हुआ कल होगा, फिक्र मत कर, लगे रहे, सिस्टम फॉलो करता रहे। अगर आपने ये कर दिया तो आजादी के राह पे चल पड़ोगे, नहीं तो इस चूहे की तरह अगर ये डरोगे कि चीज लेने जाऊंगा और कहीं ये चीज मेरे सिर पे ना घुस जाए, तो ये चूहा कभी चीज खा ही नहीं पाए, कभी नहीं मिलेगा, मर जाएगा भूख से, लेकिन वो चीज नहीं खा पाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर। क्या सर ये सक्सेस सक्सेस नहीं, फेलियर से डराओ, फेल नहीं होना, मारना तो एक ही, पहले बॉल पहले मीने में झटके से सक्सेसफुल होना, और जो ना कर पाए ना उसकी मतलब जिंदगी खराब कर दो इसकी, ठीक है जी। जो टाइटल टूटल ना कर पाए, कितनी मर्जी हो मीटिंग दिखाता हो, जिससे सक्सेस नहीं मिली पहले महीने, उसके साथ तो बात ही नहीं करनी, उसी के साथ बात करनी है जो बीवी देता हो, चाहे वो कैसे भी लाता हो, वही मेरा राजा बाबू है, सही है जी। इस तरह के सिस्टम फॉलो करो, गरीबी का रास्ता पकड़ लोगे। तीसरा पॉइंट, गरीबी रहने का तीसरा पॉइंट, आजादी नहीं मिलेगी, प्रॉमिस। जो शुरू किया उसको खत्म नहीं कर, जो शुरू किया है उसको खत्म नहीं कर। मैं इतने लोगों को इतने सारे सक्सेस सिस्टम बनाते हुए देखता हूं, हर साल उनकी टीम का सिस्टम बदल जाता है। आज ये सिखाया, अच्छा अगले साल गए तो कुछ और सिखा रहे, उसके अगले साल गए कुछ और सिखा रहे, और बदकिस्मती से जहां अपलाइन संजय जी की तरह एक सिस्टम फिक्स सिखा रहे, फिक्स सिस्टम सिखा रहे कई सालों से, वहां पर मैं शुरू तो करता हूं लेकिन उसको खत्म नहीं करता। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने जो शुरू किया उसको खत्म कर दिया तो आजादी तो मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? कौन सा ऐसा काम है जिसको बार बार करने पर सक्सेस नहीं मिलती, बताइए। बहुत एग्जाम्पल है, बल्ब कैसे बना, गाड़ी कैसे बनी, हवाई जहाज कैसे उड़े, इसके ऊपर तो हम आपको कई ट्रेनिंग दे सकते हैं, कई चीजें आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। इंसान फेल वही होता है, वही इसको आजादी नहीं मिलती, जो शुरू करता है लेकिन उसको खत्म नहीं करता। तो अगर आपने कोई चीज शुरू करी है पिछले साल या इस साल, कोई चीज की कसम खाई मैं करूंगा और खत्म नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को शाबाशी दे दीजिए, गरीबी की ट्रेन में आप बैठ चुके हैं, मुबारक हो। गरीबी जिंदाबाद, गरीबी जिंदाबाद, हार जिंदाबाद, आम जिंदगी जिंदाबाद। एक आम इंसान की तरह थे, एक आम इंसान की तरह रह जाओ। लेकिन अगर आपने जिसको शुरू किया उसको खत्म कर दिया, जो शुरू चाहे एक चीज शुरू करो उसको खत्म कर दिया, तो फिर तो आजादी मिलनी नहीं है, मिलनी है आजादी, क्यों नहीं मिलेगी आजादी? लगे रहिए, मुन्ना भाई सुना है ना आपने, वही है जिंदगी, लगे रहिए मुन्ना भाई के नाम से, लगे रहिए कंसिस्टेंटली, लगे रहिए अपने ड्रीम और गोल पे, लगे रहिए, सफलता तो मिलेगी। किसको नहीं मिली आज तक सफलता? कोई एक ऐसा इंसान दुनिया में दिखा दीजिए जिसने वो किया जो करना चाहिए था और हिम्मत नहीं हारी, उसको सफलता ना मिली। वो पिक्चर देखी ना मांझी, पत्थर पहाड़ तोड़ दिया, लोग पहाड़ तोड़ देते हैं अकेले, लगे रहना है, लेकिन फिर सफलता मिल जाएगी। तो आज मैं तो आपको बर्बादी के रास्ते सिखाने आया था, माफी चाहता हूँ, मोटिवेशन दे दी थोड़ी सी। तो जो करना है इसको शुरू किया उसको खत्म नहीं करना। अगला पॉइंट, बढ़िया पॉइंट है, फेलियर मजा आएगा इससे, किसी चीज को करने का इनिशिएटिव नहीं लेना, मतलब आगे बढ़कर खुद नहीं करना है, आगे बढ़कर खुद नहीं करना है, किसी ने कहा तो ही करना, वादा है, प्रॉमिस है, आजादी नहीं मिलेगी। वो बुफे देखा ना आपने, जब खाना लगता है शादी में, आजकल तो शादियां नहीं हो रही बुफे कोरोना की वजह से ज्यादा बड़ी बड़ी, पर जब खाना लगता है तो जो इंसान इंतजार करता है उसको पनीर की सब्जी में पनीर नहीं मिलता, और चिकन की सब्जी में चिकन नहीं मिलता, फिश की सब्जी में फिश नहीं मिलता, सब खत्म हो चुका होता है, या जो मिलता है छोटे 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 पीस मिलते हैं, यही जिंदगी का नाम है। तो इंतजार करना है बॉस, खुद से कुछ नहीं करना, क्या करना है ऐसे, मतलब भगवान ने पैदा किया रोटी तो बनाई होगी, यही सोचना है बस, डरना बिल्कुल, मतलब बिंदास जिंदगी बताइए, मतलब क्या बताऊं मैं आप, अपलाइन बोल दे तो करना, नहीं तो नहीं करना। जब तक आगे किसी ने डांटा फटकारा नहीं है, दो सवाल नहीं करे, तब तक काम नहीं करूंगा। जब तक माता पिता आके बोलेंगे नहीं बेटा पढ़ ले, अब तो पढ़ ले, तब तक पढ़ाई की किताबें नहीं खोलनी। प्रॉमिस है जी, बर्बादी बर्बादी है, आजादी तो नहीं मिलने वाली। अच्छा, क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो जब तक बोलो नहीं करते नहीं? मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं, मीटिंग में कितना मर्जी बोल लीजिए, माइक को म्यूट करिए तो भी करेंगे। अच्छा, खुद से पहले म्यूट ही नहीं करेंगे, लेकिन जब बोलोगे तब करेंगे। कितना मर्जी बोल लीजिए कि मीटिंग में नोट्स बनाइए,
खुद से नहीं बनाएंगे, बोलो तो फटाफट कागज पेपर निकाल लेंगे। उनको बोलिए कि मीटिंग में रोज आइए, खुद से नहीं आएंगे, जब तक 4 SMS ना मिल जाए तब तक मीटिंग में नहीं आएंगे। तो कैसे मिलेगी आजादी बताइए? सोते रहोगे तो अगर शेर भी सो जाए तो भी शिकार नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, अपने से कोई भी चीज शुरू नहीं कर लोगे तो पैसे आ जाएंगे। आज पैसे कमाने का नहीं, आज थोड़ा दुखी सेशन था, थोड़ा दुख आ रहे हैं। अच्छा एक चीज और याद रखिए, अरे बहुत बढ़िया पॉइंट है, मजेदार है ये फेलियर के लिए, दूसरों पर हमेशा ब्लेम लगाना। देखिए देखिए, मेरे तो बिल्कुल नियत साफ थी, गलती तो सर सारी आप ही की है, ऐसा सोचोगे मेरे दोस्त पक्का फेल हो गए। वो पुरानी कहावत सुनिए ना, अगर मैं सफल हो गया तो मेरी मेहनत थी, मैं फेल हो गया तो गलती किसी और की थी। ये दुनिया में बहुत कॉमन है, मेरा टाइटल हो गया या मेरा चेक बढ़ गया तो मैंने किया सर, लेकिन अगर मेरा टाइटल और चेक गिर गया तो कंपनी और अपलाइन की गलती है सर। ये सबसे सबसे कॉमन थॉट प्रोसेस है एक फेलियर का। तो ब्लेम गेम लगाना सीखना। देखिए गलती आपसे थोड़ा हो सकती है, हम तो भगवान है, अरे हमसे गलती नहीं होती, ये तो गलत समझ लिया हमारे अपलाइन ने और हमारी कंपनी ने, हमारे डाउनलाइन, हम ठीक है बिल्कुल, हमें जो करना था हमने किया, गलती मेरी टीम की है, गलती मेरे अपलाइन की है, गलती मेरी कंपनी की है जो मुझे नहीं दे पाया, नहीं तो मैं तो भैया 10 लाख रुपए घंटे के कमा लेता। मोदी कह, ऐसी सोचना है, बिल्कुल सही रास्ता पकड़ लिया आपने। क्या करोगे पैसे कमा करके, क्या करोगे इज्जत कमा करके, क्या करोगे फरारी गाड़ी में बैठकर, क्या करना है सर? छोड़ो कोविड में, ठीक है भगवान ने पैदा किया है तो देख भी लेगा, ऐसी सोचना है बस। मतलब सही रास्ता पकड़ लिया जो लोग ऐसे सोचते, ठीक है जी। तो लोगों पे इल्जाम लगाते रहिए, सरकार हो, सड़के, किसी पे भी इल्जाम लगाते रहना है, ठीक है, यही हमारे को इसी में मजा आना है, इसी में मजा है जिंदगी का, अपने ऊपर कभी इल्जाम नहीं लगाना, मैं भगवान हूं बाकी सब खराब, ठीक है। तो मर्सिडीज गाड़ी तो एक ही बनती है मॉडल, 100 लोगों को मर्सिडीज गाड़ी दी गई चलाने के लिए, 10 लोग ठोका है अगर गाड़ी, तो गलती मर्सिडीज की नहीं थी, ड्राइवर में कोई गलती नहीं थी, मेरी नियत साफ थी, गलती मर्सिडीज गाड़ी में थी, बाकी 90 लोग ने गाड़ी नहीं ठोकी तो उनकी किस्मत, मेरी गाड़ी ठोकी तो गलती मर्सिडीज की। ऐसी सोचना है, सही रास्ते पर निकल जाओगे। और एक चीज और याद रखिए, दूसरों की चिंता ज्यादा करनी। देखिए दूसरे क्या सोचेंगे सोचना जरूरी है। सर मैं साबुन तेल पेशा, सड़क पे जाऊंगा, किसी से मिलूंगा, बात करूंगा, किसी के घर जाऊंगा, किसी को इनवाइट करूंगा मीटिंग के अंदर, दूसरे क्या सोचेंगे, सही है बिल्कुल ऐसी सोचना जी, दूसरे जरूरी है। देखिए सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी के बारे में तो सोचना ही है, दूसरे चाहे मेरी जिम्मेवारी लेना ले। आज अमेरिका ने भारत को वैक्सीन देने से मना कर दिया, आप सोचते रहिए अमेरिका हमारे बारे में क्या सोचता, क्या हालत होगी हमारी, जानते हैं क्या हालत हो गई है। जो देश हमारा दोस्त था उसने कहा जी हम तो नहीं देते आपको, हम तो पहले अपने लोगों को देंगे, क्या उसने ये सोचा कि भारत मेरे बारे में क्या सोचेगा? ऐसे हम दोस्त कहने को तो हम दोस्त है कि नहीं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरों के बारे में सोचना है, अमेरिका की तरह नहीं बनना। अमेरिका ने कहा जी पहले मेरी आबादी फिर कोई और, पहले मेरे लोग फिर कोई और, पहले मैं अपने परिवार के बारे में सोचूंगा फिर तेरे बारे में सोचूंगा, गलत तो नहीं है, सही भी नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये मुझे पता नहीं, किसी ने कहा सर क्या लगता है आपको ये सही है गलत है, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे दोस्तों, दूसरों के बारे में सोचिए, छोड़ दीजिए अपनी टीम को, दूसरों के बारे में सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या बोल। और जितने लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं ना, वो गरीबी का राह अपने आप पकड़ लेते हैं। सबसे ज्यादा चिंता मेरे लिए कौन कर सकता है, मैं खुद ही तो कर सकता हूं, मेरे परिवार से सबसे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है, मैं ही तो कर सकता हूँ, पड़ोसी थोड़ा करेगा प्रेम मेरे परिवार से, क्या वो मुझे पैसे आके देगा गरीबी के टाइम पर या दिक्कत के टाइम पर, क्या पब्लिक खड़ी होगी मेरे साथ? कोई खड़ा नहीं होता, मुझे खुद ही खड़ा होना है। तो अगर आप खुद के बारे में ही सोचते रहे और आपने कहा जी गोली मारो दुनिया क्या सोचती है, जो मेरा सपना मैं पूरा करूंगा, फिर तो आजादी मिल जाएगी। तो आज तो आजादी पाने का सेशन है ही नहीं, आज तो हमने ये है कि बर्बादी कैसे लेनी है, दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरे क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही रास्ता पकड़ लोगे। और एक चीज बड़ी अच्छी है, ये जितने भी गोल लिखते हो ना मीटिंगों में, अपलाइन लिखाता है, जितने भी गोल सेटिंग होती है, ये सिर्फ लिखना है, कुछ करना नहीं उसके ऊपर,
लिख देना बस, मेरा 3 साल के बाद गोल क्या होगा, मेरा 3 महीने के गोल क्या होगा। मैं अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग करी थी लीडर के लिए, तो ये पॉइंट में उसमें बता रहा था। मैं अभी कोविड जब बीच में हटा तो मैं एक हमारे मोदी केयर के कंसल्टेंट उनके घर गया, तो छोटा घर था, चाय के लिए रुका, कहीं जा रहा था तो रास्ते में उनका घर था, उनको फोन किया, मैंने कहा सर चाय पे रुकना चाहता हूँ, सिर्फ एक सीनियर डायरेक्टर टाइटल के हैं लेकिन अच्छे अपकमिंग लीडर है, तो मैंने कहा आ जाओ। कह रहे हैं सर स्वागत है आपका, चाय बिल्कुल, समोसा भी खिलाऊंगा। मैंने कहा फिर तो रुकना ही है, तो मैं रुका उनके घर पे, छोटा घर था, 5-6 लोग उन्होंने और बुला लिए, तो बैठने को जगह थी नहीं, तो ऐसे कागज की गद्दी थी, गड्डी थी कागज का, ऐसे बड़ा सा पैकेट था, तो उन्होंने कहा प्रशांत जी इस पे बैठ जाओगे। मैंने कहा सर मेरा सौभाग्य है, बैठने की जगह दे दी। तो जब मैं बैठने वाला था मैंने देखा उसके ऊपर लिखा था शीट्स पे गोल सेटिंग। मैंने कहा ये क्या था? कह रहे सर ये पीछे वर्कशॉप की थी, इसमें गोल लिखवाए थे लोगों के। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं सर, तो हर वर्कशॉप में गोल लिखाते हैं। मैंने कहा फिर कुछ हुआ? कह रहे नहीं सर, ऐसे तो क्या होता है, ये गोल लिखते हैं इसमें मजा आता है सर, इफेक्ट आ जाता है वर्कशॉप। जब गोल लिखवाना शुरू करे लगता है कि कुछ हो रहा है वर्कशॉप, लोगों को लगता है कुछ नया हो रहा है। मैंने कहा वेरी गुड सर, एक नई सीख सीखी आज मैंने। तो उस लीडर को सीख देखते हुए गोल सिर्फ लिखने हैं मेरे दोस्त, करना कुछ नहीं उस पे, कागज भरते रहो अपने गोल सेटिंग, 3 साल बाद क्या करूंगा, 3 महीने बाद क्या करूंगा। और जितने भी लीडर अपनी वर्कशॉप में गोल सेट करवा रहे हैं लोगों से, ऐसी कागज भरवाते रहो, जब मैं आपके घर आऊं तो मुझे बैठने की जगह दे देना, उसी के ऊपर बैठ। और ये इतना कॉमन है, मैंने तो भैया मतलब 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 25 सालों में मैंने इतनी वर्कशॉप देखी है जहां लोग गोल लगा पाते। मुझे सुब्रतो जी की बात याद आ गई, गोल सेटिंग से तो रिलेटेड नहीं है, एक बार कोई फोटो ले रहा था बार बार हमारी, सुब्रतो जी पूछते इस फोटो को करोगे क्या, क्या मतलब डिलीट कर देते हो खींचने के बाद, कि रखते हो हमारी यादों को? तो उन्होंने जवाब दिया, मुस्कुरा कर चले गए। पता नहीं क्या समझे उसका, कितनी फोटो का आदमी करता क्या होगा, बिकॉज फोन में कितनी भी मेमोरी हो, मेमोरी तो फिक्स लिमिटेड ही होती है, तो ऐसे गोलों के साथ करता है। तो मेरे दोस्त गोल की लिस्ट बनाइए, मजा आएगा, इज्जत बढ़ती है, लिस्ट बनाने से अच्छा लगता है, और अपने चिपका देना फ्रिज के ऊपर, करना कुछ नहीं उस पे है, ठीक है, चिपका के रख दीजिएगा, लोग कहेंगे क्या बढ़िया लीडर है यार, गोल वोल सब जगह लगाता है, करना लेकिन कुछ नहीं, ये बर्बादी और गरीबी का शॉर्ट शॉर्ट रास्ता। और एक चीज हमेशा याद रखिए, आजादी ना पाने का एक और फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, सबके लिए एक ही गोल सेट करना, सबके लिए एक ही गोल सेट करना। देखिए चेहरे आप देख रहे हैं सब सेम है, सब अलग अलग देशों के लोग हैं, क्या सब अलग अलग देशों के लोगों के, देखिए चाहिए सबको खुशियां, हर देश के वासी को खुशी चाहिए, लेकिन क्या सबके रहन सहन और खाने के और काम करने के तरीके एक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते, सबके जीने के तरीके अलग है, हर देश में तरीका अलग है, देश छोड़िए राज्यों में अलग है, बंगाल में जो खाते हैं महाराष्ट्र में कुछ और खाते हैं, खाना सब जगह खाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं जी, मैं तो भैया महाराष्ट्र का हूं या दिल्ली का हूं या पंजाब का हूं, खाना आपको वही पड़ेगा जो मैं खाता हूं, बिकॉज मुझे वो खाना अच्छा लगता है, इसलिए आपको भी वही खाना पड़ेगा। तो बताइए आपको जबरदस्ती कोई मैं चीज खिला सकता हूं, कोई चीज गोल जबरदस्ती दिया जा सकता है? जस्ट बिकॉज मुझको वो चीज चाहिए वो आपको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जीबीडी बनना है इसलिए आदमी को जीबीडी बनना है। मेरे एक लीडर है, कहते सर मुझे जीबीडी बनना है नहीं, मुझे तो 20 लाख रुपए महीना कमाना। वो आरबीडी थे जब उनका चेक 22 लाख रुपए महीना था, मैं नाम नहीं दूंगा उनका, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, आरबीडी है 22 लाख रुपए महीने का चेक है, उनको शौक ही नहीं है जीबीडी बनने, उनको 22 लाख रुपए महीना कमाने। मैं एक लीडर को मिला, उन्होंने कहा नहीं सर पैसा मेरे पास बहुत है, मैं ऐसे भी लीडर को जानता हूँ जो वाकई बहुत पैसा रखते हैं, लेकिन उनको चाहिए नंबर 1 जीबीडी। वो भी गोल ठीक है, दोनों गोल ठीक है, लेकिन दोनों गोल अलग हैं, दोनों के तरीके अलग हैं। तो अगर मैं सबको एक ही चीज बेचने की कोशिश करूंगा, एक ही चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, तभी तो गोल लोग अचीव नहीं करते। क्यों गोल लोग अचीव नहीं करते? लिखने पे क्यों नहीं अचीव होता? बिकॉज हर आदमी का सपना फिरारी गाड़ी थोड़ा, हर आदमी का सपना वो थोड़ा जो मेरा ही सपना है। मेरा सपना है लव मैरिज करना, उसका सपना है अरेंज मैरिज करना। मेरा सपना है कि मैं घर बनाऊं पहाड़ों में, मेरे दोस्त का सपना मैं घर बनाऊं गोवा में। दोनों के सपने तो लगभग घर बनाने के ही हैं, लेकिन बदल गए। अब मैं बेचूं सबको पहाड़ पे घर बनाइए, पहाड़ पे घर बनाइए, दार्जिलिंग जाइए, दार्जिलिंग जाइए, तो जिसको बीच पे घर बनाना है वो तो नहीं करता मोदी के। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आजादी ना पाने का शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला, सबके लिए एक ही गोल बनाइए, एक ही तरीका दे दिए, बस डाल दीजिए मन में गोजी
क्या सर, जीवीडी सब कुछ है सर और कुछ भी नहीं है, एक गोल होना चाहिए, एक ही जूता सब पांव में फिट आता है। ये तो बेकार की बातें हैं बाटा बाटा की, 6 साइज 7 साइज 8 साइज, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है सर। सबका साइज पांव का एक ही होता है, एक ही जूता फिट होता है। ये तो हमें कंपनियां पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है अलग अलग साइज के जूते बनाकर। तो आप जो जूता मैं पहनता हूं वही जूता सबको फिट आएगा, यही सोचना है बस। हाँ बिल्कुल सही रास्ते पे निकल गए अगर ऐसा सोचते हो। और चीजों को चांस पे छोड़ना है, फेलियर पाने का एक और तरीका, चीजों को चांस पे छोड़ना। हो गया तो हो गया, शायद क्या पता डाउनलाइन, क्या पता सर डाउनलाइन मेरा आखिरी दिन पर मिस कर जाए सर, क्या पता मुझे आखिरी दिन रोल अप मिल जाए सर, क्या पता सर कंपनीज मैंने फिर से अपना प्रमोशन एक्सटेंड कर दे सर, क्यों करूं मैं 15 को ऑफर सर, क्या पता एक्सटेंड हो जाए, पहले तो हुआ है, आखिरी दिन पर करूंगा, क्या पता सर सर्वर में कोई दिक्कत ना हो, आखिरी पल पे करूंगा सर। सब कुछ चांस पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही जा रही है मुन्ना भाई। और जितने लोग जिंदगी में चीजें चांस पे छोड़ते हैं ना, किस्मत पे छोड़ते हैं, उनके साथ क्या होता है। देखिए लोग कुंभ मेला में गए, मैं भी बहुत धार्मिक हूं, क्या हुआ, कौन आया बचाने, साधु संतों ने भी कहा घर जाओ भैया, मेन संत ही मर गए, एक बहुत बड़े संत मर गए, एक सिंगर गए थे गायक बहुत बड़े राठौड़ करके उनका सरनेम था, वो भी मर गए। तो चांस पे थोड़ा छोड़ते हैं, मास्क पहना होता सबने, डिस्टेंसिंग रखी होती तो मेला भी बढ़िया गया होता, तो भगवान भी बचाने नहीं आएगा चांस पर, छोड़िए ये लास्ट मिनट रोल अप आएगा, होगा ही होगा सर, हो जाएगा सर, आखिरी मोमेंट पर डालता हूं, क्यों वॉल्यूम डालू अभी, हो सकता है वॉल्यूम नीचे से ही आ जाए। बिल्कुल सही जा रहे हो मुन्ना भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, नीचे वाले ने कर लिया ना बदकिस्मती से आखिरी दिन पर, तो भगवान मालिक है, फिर सुब्रतो जी प्रशांत जी भी कुछ नहीं कर सकते। कितने मर्जी फोन करते रहिए सर धूम रह गया, सर गोवा 14 पॉइंट से रह गए, सर एक पीवी से रह गया, क्यों रह गया, क्यों नहीं किए पूरे पीवी, क्यों 26 पीवी के लिए काम किया सिर्फ, क्यों ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर 1 सेकंड पहले पहुंचे, गलती किसकी है, कंपनी की कि आपकी, जो लोग ये मीटिंग को सुन रहे हो जिसका एक पीवी से गोवा रह गया या मैजक रह गया, ये मैं आपको दोस्त की तरह बता रहा हूं। ऐसी सोच रखोगे कि एग्जैक्ट करूंगा, हो सकता है नीचे से हो जाए, तो मैं कह रहा हूं आपको गारंटीड गरीबी के रास्ते हैं, आज गरीब नहीं बनोगे कल गरीब बनोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला पॉइंट, अपनी आजादी को की जर्नी को प्लान नहीं करना, अपनी आजादी की जर्नी को प्लान नहीं करना, नेवर प्लान योर आजादी जर्नी। ये प्लानिंग लर्निंग विकार की चीजें होती हैं, भगवान ने पैदा किया है, रोटी भी बनाई होगी, अमिताभ बच्चन डायलॉग है पिक्चर का, पता नहीं ये पिक्चर देखी कि नहीं, आई थिंक नटवर लाल का डायलॉग है, भगवान ने पैदा किया रोटी भी बनाई होगी, क्या सर प्लानिंग लर्निंग, क्या ये बिल्डर रिपोर्ट एनरोलमेंट रिपोर्ट, बस सर जुनून है मेरे अंदर, तो मैं तो फौजी हूँ सर, सैनिक हूं मैं, आजादी का राही हूं मैं, ये प्लानिंग लर्निंग में मुझे बिलीव नहीं होता, मैं तो सर कुछ कर दिखाऊंगा बस, ये प्लानिंग सर ये प्लानिंग का बिजनेस नहीं है, ये तो बस कर दिखाने का बिजनेस है। किसने कहा आपको ऐसा कि ये सिर्फ कर दिखाने का बिजनेस है, कौन फौजी सिर्फ जुनून के ऊपर और मोटिवेशन के ऊपर बॉर्डर पर जाके लड़ सकता है, मुझे एक फौजी दिखा दीजिए ऐसा। जुनून भी ट्रेनिंग से डाला जाता है, कॉन्फिडेंस भी ट्रेनिंग से आता है, कॉन्फिडेंस भी, जुनून पैशन भी ट्रेनिंग से आता है मेरे दोस्तों। सिर्फ नारे लगाने से आदमी आजादीकारी या क्रांतिकारी नहीं बनता, नारे लगाने में क्या मुश्किल है, भारत में तो नारे बहुत लोग लगाते हैं, जाइए पॉलिटिकल रैली में देखिए कितने लोग नारे लगाते हैं, करते क्या अपने देश के लिए बताइए। तो नारे लगाने से जिंदगी नहीं बदलती, करने से जिंदगी बदलती है, और करने के लिए प्लान चाहिए होता है, करने के लिए राह चाहिए होती है, गूगल मैप चाहिए होता है, रास्ते चाहिए होते हैं। और जो लोग किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं ना अपनी जिंदगी को कि क्या प्लानिंग और क्या रिपोर्ट और क्या सर डाउनलाइन के साथ बैठकर प्लानिंग करना, किस्मत तो चमक जाएगी एक महीने, अगले महीने किस्मत नहीं चिपकेगी मेरे दोस्त, और फेल वही होता है, फेलियर का डेफिनेट जिसके पास जिंदगी में कोई प्लान नहीं होता। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं मोदी केयर में जो फेल होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग ही नहीं करते, बस नारे लगवा लो उनसे कितने मर्जी लगवा, अगले महीने देखो तो फिर बिजनेस गिर गया, बीवी गिर गया, चेक गिर गया। तो जोश लाओ, जोश चाहिए, जोश के बिना तो वैसे भी आदमी कुछ नहीं कर सकता, जोश तो चाहिए, लेकिन जोश के साथ प्लान चाहिए मेरे दोस्त, एक रास्ता चाहिए। एक अच्छा जनरल, एक अच्छा फौजी जब तलवार निकाल के घोड़े पर दौड़ता है ना, पुराने जमाने में पिक्चर में देखते थे राजा दौड़ रहा है, पृथ्वीराज चौहान दौड़ रहा है,
तो नारे लगाकर दौड़ रहा है, भारत की जय हो, भारत की जय। लेकिन उसको तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है, वो जानता है राजा के तलवार कैसे चलानी। सिर्फ नारे लगवा तो नहीं दौड़ रहा घोड़ों के ऊपर, ये बेवकूफी है और कुछ नहीं। आज आप जाइए, नारे लगाइए मंदिर में, घंटी बजाइए, कोरोना जा, कोरोना जा, कोरोना जा, और मास्क मत पहनिए, कुछ होगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कोरोना हटाने के लिए। अच्छी सरकारें प्लानिंग करती हैं, जो देशों में आज दिक्कत नहीं हो प्लानिंग है। आज आपकी सरकार, हमारी सरकार प्लानिंग करती है, ये तो हम का बेसिक बेसिक असूल है कि अपनी आजादी जर्नी को प्लान नहीं करना फेलियर की। और मेरे दोस्तों एक चीज और याद रखना है, अपने मेन लोगों से महीने में एक ही बार बात करनी है सिर्फ, बस जब जब लॉयल्टी खत्म होने वाली हो, मंथ एंड आ रहा हो, तभी अपने लोगों को फोन करना, नहीं तो क्यों फोन करना, ऐसी बेकार की बातें करनी, क्यों पैसे वेस्ट करने। और आखिरी में जब आखिरी दिन रह जाए फिर व्हाट्सएप भेजने कहीं सारे, लास्ट डे फॉर ईपीवी, लास्ट डे फॉर गोवा, लास्ट डे फॉर वाइजैग, प्लीज कंप्लीट क्वालिफिकेशन, डोंट मिस। अच्छा बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, वो आखिरी दिन पे मैसेज भेजते हैं अपनी पूरी टीम को, वैसे बात ही नहीं करते, वैसे बात ही नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई रिव्यू नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम बता देता हूं उनका, तरुण बजाज जी, आप सब मेरे दोस्त हैं, वैसे वो मेरे दोस्त हैं, तरुण बजाज जी हमारे लीडर हैं, स्मैक मेंबर हैं। एक बार उनका फोन आया, बहुत साल पुरानी बात है, उन्होंने कहा प्रशांत जी बड़ी नाराजगी की बात है। मैंने कहा बताइए सर क्यों नाराज हो आप। कह रहे सर आपके एरिया सेल्स मैनेजर हमको महीने के आखिरी में फोन करते हैं और कहते हैं जी टाइटल मिस ना हो जाए सर इस बार, ये तो पैसे कमाएंगे। कहते हैं सर तो मैं भी जानता हूँ टाइटल मिस होने से पैसे कमाएंगे, लेकिन सर आखिरी दिन ही क्यों फोन करते हैं, बीच में क्यों नहीं फोन करते कभी। तो मेरे दोस्त इस तरीके से नहीं काम करना कि आपने आखिरी दिन ही लोगों के साथ कनेक्ट करना है, ये फेलियर के डेफिनेट रास्ते हैं, रेगिस्तान बन जाएगी आजादी हमारी। तो अगर आपको फेल होना है सिर्फ आखिरी में व्हाट्सएप भेजना, मास्क मैसेज, मास्क आजकल व्हाट्सएप में फैसिलिटी है, ब्रॉडकास्ट करिए मैसेज, और बीच में तो बात ही नहीं करनी कतई टीम से, कभी कोर टीम से कनेक्ट नहीं करना। हफ्ते में तीन बार वो करेंगे और हफ्ते में तीन बार आप करोगे, ये वाली गलती तो कभी नहीं करनी, ठीक है जी। तो ये आपको एक चीज अपनानी है हमेशा, जो लोग ये कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं मुन्ना भाई, 99% 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी शुरू में बताई थी, बिल्कुल सही जा रहे हो। और अगली बार आपका सेशन कराएंगे गरीब होने के रास्ते, जितने लोग ये पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ये पॉइंट फॉलो करते रहिए, गरीबी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और अपने सक्सेस सिस्टम को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, ये जो संजय जी सिखाते हैं ना सिस्टम विस्टम, ये बेकार की बातें हैं, सुनना है करना वही है जो मन कर रहा है, ठीक है जी। तो सुनना नहीं, सुनना भी नहीं और करना भी नहीं, गरीबी के डेफिनेट रास्ते, ठीक है। तो वही करना है जो मन का है, देखिए मन ही बलवान है, मन में ही भगवान कहते हैं ना, वो किसी गुरुजी ने को सुना था, मन चंचल होता है, अपनी मन की सुनते रहो, चंचलता बढ़ाते रहो। अपलाइन की इतने सिस्टम विस्टम को छोड़ो, ये सब शुरुआत परिवर्तन छोड़ो, संजय जी के सिस्टम को छोड़ो, आपने जी सक्सेस सिस्टम फॉलो नहीं करना, ठीक है जी। गरीबी के डेफिनेट रास्ते हैं, अगर अमीर होना है आजादी पानी है तो जो मैं कह रहा हूं उसको उल्टा करना है। अगर गरीबी अच्छी नहीं लगती, आजादी अच्छी लगती है, तो जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं उसका उल्टा करिए। मेरे बताए हुए चीजों पे अगर आज चले गए तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। अच्छा एक चीज आखिरी में, आखिरी के कुछ दो तीन पॉइंट रह गए, फटाफट बता देता हूं। पैसा रिश्तों से बड़ा होना चाहिए। अरे क्या रिश्ते विश्ते सर, बीवी ही बीवी है, बलवान सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होता है। बाढ़ में गया डाउनलाइन, बाढ़ में गया उसका टाइटल क्वालिफिकेशन, देखता हूँ कैसे डायरेक्टर बनता है इसमें, देखता हूँ कैसे जीवीडी बनता है इसमें, रोक दूंगा, पूरी ताकतें लगा दूंगा उसका टाइटल में, मुझे रोल अप मिलता है मेरे दोस्त। वो मैंने कहानी सुनाई ना एक बार, गलती से मैंने किसी का एक बीवी कंप्लीट करा दिया, वो डायरेक्टर बन गया, अपने नाराज हो गया, मेरे से तीन दिन बात नहीं करी। मैंने कहा क्यों इतना नाराज हो, कह रहे सर आपने मेरा डाउनलाइन का रोल अप हटा दिया, मैं बर्बाद हो गया सर। बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसी सोचना। ये क्या रिश्ते बिश्ते, रिश्ते थोड़ा होते हैं कुछ, रिश्ते तो बनते रहेंगे, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है जी। तो ये जो डाउनलाइन को सिखाना, उसको उसको आगे बढ़ाना, उसका हाथ पकड़ के उसको दौड़ाना, ये सब चीजें नहीं करनी। मैं ही मैं हूं, मेरा ही बीवी सब कुछ है, साम दाम धन भेद, चोरी मकारी जैसा भी करना पड़े मुझे मेरा बीवी कंप्लीट करना, अपना टाइटल कंप्लीट करना, चाहे किसी को रोकना पड़े, किसी को काटना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी को झूठ बोलना पड़े, किसी को जानते हुए भी बताना पड़े कि नहीं जी सब ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, काम ऐसे ही काम करते रहो,
किसी का आखिरी मिनट पर देखते हुए भी कि सिर्फ 20 पॉइंट से इसका टाइटल रह जाएगा तो भी उसको फोन करके ना बताना, बिल्कुल सही जा रहे। रिश्ते तो बनते रहेंगे, बीवी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मुर्गी की कहानी सुनिए ना, 100 अंडे एक एक दिन एक एक अंडा निकालूंगा कि एक ही बार में सारे अंडे निकालने की कोशिश करूंगा, उसका अंत क्या हुआ था सोच लीजिएगा, जो लगता है ठीक वो करिए, और सिर्फ बिग पिक्चर दिखाना है, मोटिवेशन करनी है, ये रास्ते वस्ते सक्सेस सिस्टम नहीं सिखाने हैं, BMW का सपना दिखाना है बहुत, सिर्फ मर्सिडीज का सपना दिखाना है, सिर्फ बिग विजन दिखानी है। मुझे तो आज तक नहीं समझ आया, मैं जब मीटिंग में जाता हूँ मुझे लोग हमेशा क्यों कहते हैं सर विजन दिखाइए, विजन क्या विजन दिखाऊं सर, मैं कितनी विजन देखोगे, करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, कितनी बार सुनोगे कंपनी का विजन क्या है, और क्या सुनोगे कर कंपनी का विजन क्या है। मेरा तो चेक बढ़ नहीं रहा, कंपनी आगे बढ़ रही है, संजय जी आगे बढ़ रहे हैं, क्या करूंगा उस विजन को जानकर, मेरा ही चेक आगे नहीं बढ़ रहा। अपने चेक को बढ़ाने का तरीका सीखिए ना, और कितना विजन, मैं तो आजकल काफी भुचक्के में रह जाता हूँ। मीटिंग करने गया, मैंने कहा सर क्या बताऊं आज, उन्होंने विजन बताई, विजन, मैंने कहा विजन कल की तो बताई थी, कह रहे सर विजन बताइए क्या हो रहा है मोदी केयर में, क्या प्राप्ति हो रही है, मैंने कहा बॉस कल ही सुनी थी इतने सारे अचीवर स्टेज पे खड़े हैं, इससे कम विजन क्या हो सकता है, अभी भी वाई क्लियर करना है लोगों का, फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता, कितने वाई क्लियर करूंगा लोगों के। हाँ आज से 10 साल पहले आपने कहा होता विजन दिखाइए तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा था, तब विजन ही दिखानी होती थी, लोग वाई की नहीं समझ आता था लोगों को मोदी केयर क्यों करें, आज तो वाई वाई लोगों को हाउ ही नहीं आता करना, बस जोश और मोटिवेशन पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो बिग पिक्चर नहीं दिखानी, सिर्फ रास्ता दिखाना है, जो लोगों को बोरिंग लगता है, लोगों को चाहिए जंजीर पिक्चर, लोगों को चाहिए सिंघम, अब सिंघम पिक्चर में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं होता, लेकिन हम तो रियल जिंदगी में जी रहे हैं, ये तो जिंदगी तो सिंघम वाली जिंदगी नहीं है ना, कि आपने जाके खंभे पे मारा मुक्का, खंभा गिर गया, आपके हाथ को भी कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसी जिंदगी में होता नहीं, तो असलियत तो सीखनी पड़ेगी, बेसिक तो सीखने पड़ेंगे, सिर्फ मर्सिडीज और BMW का सपना दिखाकर तो आजादी नहीं मिल सकती मेरे दोस्त, और मिलती हो तो मुझे बताइए कहाँ मिलती है ऐसी आजादी, मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा फटाफट। अगली चीज, स्मॉल इज ब्यूटीफुल को जो फॉलो करते हैं उनको भी आजादी नहीं मिलती है। 33,750 एग्जैक्ट बीवी करने वाले लोग, 26 पीवी एग्जैक्ट करने वाले लोगों को आजादी नहीं मिलेगी दोस्त। जितना करोगे जो करनी वो भरनी, मिनिमम करोगे तो मिनिमम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। अगली चीज, रोटी के कॉन्सेप्ट को समझिए। रोटी का मतलब होता है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। एक लीडर हमेशा स्मार्ट वर्क करता है, बर्बादी चाहिए तो हार्ड वर्क करते रहो, लगे रहोगे पसीना ज्यादा बहाओगे, अमीर होने में कई हजार साल लग जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन, 1500 रुपए का प्रोडक्ट लिया DP पर, 60% बीवी वाला, 3000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 20% बीवी वाला, बीवी किस पर ज्यादा मिलेगी? अगर आपको लगता है कि नहीं सर 60% आधी इन्वेस्टमेंट पर डबल मिलेगा रिवॉर्ड, डबल से भी ज्यादा, तो सही जा रहे हो, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। रोटी को समझो, रोटी रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आजादी चाहिए ना, अगर आपको स्मार्ट वर्किंग चाहिए, राइट बैलेंस बनाओ प्रोडक्ट्स का, सिर्फ राइस ब्रैन ऑयल और घी से बिजनेस मत करो, वेल भी बेचो, कलर भी बेचो, शुरू में कम बिकता है कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करो 1% तो ज्यादा बेचो पिछले महीने से, इस्तेमाल तो करो, और इससे बढ़िया क्या समय हो सकता है वेल बेचने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर, अगर आप अपनी टीम के अकेले सुपरस्टार होंगे तो भी आजादी नहीं मिलेगी। अगर आप ही आप हैं और कोई नहीं है, जूम चलाने वाला, मीटिंग करने वाला, सब ऑर्गेनाइजेशन भी आप ही करेंगे, आप होंगे तो मीटिंग होगी तो भी आजादी नहीं मिलेगी। ये कोई अकेले सुपरस्टार बनने का बिजनेस नहीं है, ये कई सारे सुपरस्टार बनाने का बिजनेस है। आज मोदी केयर आप जानते हैं नंबर वन क्यों है दुनिया में? क्योंकि आज मोदी केयर में एक आदमी नहीं है लाख रुपए कमाने वाला। आज से 6 साल पहले एक ही इंसान था जो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाता था, आज लाखों लोग रुपया कमाते हैं और हजारों लोग लाख रुपए से ऊपर का रुपया कमाते हैं। That is the power of Modi Care. कई सारे लोग सुपरस्टार हैं। आज एक GBD नहीं, सैकड़ों GBD हैं। आज एक करोड़पति नहीं, कई सारे करोड़पति हैं। जब इतने सारे सुपरस्टार होंगे तो बताइए कैसे बिजनेस बढ़ेगा। अब हम लोग क्या गलती करते हैं जिनको आजादी नहीं मिलती, हम ही हम रहना चाहते हैं, हमें डर लगता है हमारे नीचे वाला आदमी हमसे ऊपर ना चलेगा, कहीं उसकी वाहवाही ज्यादा ना हो जाए। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बना ही नहीं पाते, कुछ लोग बनाने की नीयत नहीं रखते, कुछ लोग बना ही नहीं पाते। सुपरस्टार बनाइए अपनी टीम्स में, अपने जैसे 10 लोग और लेकर आइए, तब आजादी मिलेगी ना। 14 लेग अगर आपकी सुरेखा भार्गव जी जितनी हो,
सारे की सारी जीबीडी, आप भी जीबीडी हो गए, सुरेखा जी जैसी चादर बना लिया। आप जानते हैं आप टीम बिल्डर बोनस कितना कमाओगे? मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ रुपए से कम का टीम बिल्डर बोनस नहीं आएगा, सिर्फ टीम बिल्डर बोनस। एलपी भी जीरो भी आ जाए तो भी टीम बिल्डर बोनस 4-5 करोड़ रुपए महीना आएगा। क्या करोगे 4 करोड़ रुपए महीना कहां खर्चोगे? थक जाओगे खरसते खरसते। तो ये चिंता छोड़ दो, अपने नीचे सुपरस्टार बनाओ, आने दो लोगों को आगे, बढ़ने दो लोगों को आगे, तभी तो जिंदगी अच्छी होगी। जब मैं एमबीए कर रहा था, एमबीए में हमें एक चीज सिखाई गई कि एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने नीचे अपने से अच्छे मैनेजर लेता है। ठीक है, तो अपने नीचे सिर्फ अकेले सुपरस्टार नहीं रखना, और 100 PV एक ही बार करना है, सिर्फ ईपीवी के टाइम पर 100 PV करना है, वो भी सोच नहीं रखना। आजादी तब मिलती है जब लोग कंसिस्टेंटली खड़े हैं। 100 PV का टारगेट हर महीने अचीव करना है मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा पीवी के लिए सिर्फ 100 PV नहीं करना। और कितना आसान है देखिए, मैं आज समय नहीं है, कभी मैं डिटेल में करूंगा तो आप भी बना लेंगे। आप हर महीने 100 PV कर सकते हैं बिना वो प्रोडक्ट रिपीट करे हुए जो आपको रिपीट करना नहीं। अब देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, जो चीज चलेगी मैंने अगले महीने अपने बास्केट में खरीदी नहीं, नहीं खरीदी। मैं एग्जांपल देता हूँ, डिजॉल्व, डिजॉल्व कॉन्सेंट्रेटेड है, अगले महीने आपको इस्तेमाल ही नहीं पड़ेगा खरीदने के लिए दोबारा, यहाँ सेकंड महीने डिजॉल्व डाला ही नहीं। लेकिन घी तो हर महीने लेना पड़ेगा, तो वो हर महीने आ गया। वेल, हर महीने खरीदना पड़ेगा, वो हर महीने आ गया, तो हर महीने 100 PV करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है हर महीने 100 PV करना। कुछ लोग 100 PV सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज EPV आया। कैसे मिलेगी जब तक कंसिस्टेंटली अगर हम अपने आप को स्ट्रेच ही नहीं करेंगे? लोगों को लगता है सर 100 PV का ऑर्डर बनाना बड़ा मुश्किल है। देखिए बहुत आसान है, अब हर महीने 100 PV रिपीट कर सकते हैं। और अगर और स्मार्टली करेंगे, वेल से करिए, वेल से करिए, वेल से करोगे तो और भी आसान है 100 PV करना। तो मिक्स एंड बैलेंस करिए, तेल भी खरीदिए, टूथपेस्ट भी चाहिए, ये सब चीजें मोदी केयर से लीजिए, लेकिन थोड़ा वेल भी डाल दीजिए। और जो चीज डिजॉल्व है मुझे मालूम है, या मान लीजिए स्टेरिक क्लीन है, मुझे मालूम है कि कुछ चीजें लंबा चलेंगी, वो अगले महीने आप नहीं खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 100 PV मेंटेन करिए। ये बास्केट्स आपके सामने डाली हुई है, आप बैठिए, ऑर्डर फॉर्म लीजिए और ऐसी बास्केट बनानी शुरू करिए। लोगों को रेकमेंडेशन दीजिए कि ईपीवी होना हो, अपना 100 PV करना है। अगली और क्विकली, अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ टाइटल बढ़ाने से या बीवी बढ़ाने से चेक बढ़ेगा, इससे बड़ी गलत फहमी नहीं हो सकती। सिर्फ टाइटल या बीवी बढ़ाने से चेक बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि चेक गिर भी सकता है, बीवी बड़ा चेक गिर भी सकता है। कैसे? देखिए उदाहरण दिखाता हूं, ये तो एक 6 फिगर का स्ट्रक्चर है, ये तो आपको मैं कई बार दिखा चुका हूं, लेकिन क्विकली मैं आपको ग्लांस थ्रू करा देता हूं कि लाख रुपए कमाने के लिए या 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपको टाइटल बड़े बड़े लेने की जरूरत नहीं है, छोटे टाइटल पर भी अच्छे रुपया कमा सकता है। देखिए एक SCD जो मात्र SCD करता है, खेल किसका है? खेल डेप्थ का है, खेल गहराई का है, और खेल PGPV का है, कितनी PGPV करते हो और अपने टाइटल के हिसाब से कितनी गहराई बनाते हो, वही खेल है चेक कमाने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप SCD हैं, उतना ही किया जितना करना था, 1250 PV करे, 600 यहां करे, 1250 के डायरेक्टर लाए, 7200 रुपए का चेक मिला। अब आपने PGPV बढ़ाई, 1200 की जगह 50 की जगह 2000 करवाए, 100 PV वाले लोग लाए, मात्र 20 लोग 100 PV वाले, लेकिन दो जनरेशन आपने, एक जनरेशन नहीं, दो गहराई बनाई, देखिए चेक सीधा 55,000 रुपये हो गए। अभी भी SCD है आप, 7,000 से सीधा 55,000 रुपया, अभी भी SCD है आप, अभी भी कुछ नहीं बदला, SCD है। अब आप गहराई और बनाई, 4 जनरेशन टीम बिल्डर बोनस मिलता है किसी को, 4 जनरेशन, अब देखिए चेक कितना हो गया, 1,19,000 रुपये मात्र SCD पर, अभी भी आप SCD है। अब आपने अपने नीचे 3 जनरेशन में और लीडरशिप खड़ी करी, टाइटल जंप नहीं भी किया, देखिए 2,34,000 रुपये का चेक आएगा आपको। तो खेल किसका है? SCD पर 2,34,000 रुपये का चेक, कहां 7,000, कहां 2,34,000। खेल है डेप्थ का, जितनी जनरेशन बिल्ड करिए उतनी, जितनी आपका टाइटल हो उतना गहराई में जाइए और PGPV बढ़ाइए, ये पास मार्क्स वाले काम नहीं करने। अब देखिए जादू, PGPV 2000 की जगह 5000 कर दिया आपने, और बढ़ाइए, 50 लोग लाइए 100 PV वाले, बड़े आसानी से मिल जाएंगे, भारत में तो कमी नहीं है लोगों की। 5,60,000 रुपए का चेक एक SCD के ऊपर, एक SCD पर 5,60,000 का चेक, यही अगर मैं एग्जांपल एक GBD पर डाल दूं, या प्लेटिनम पर डाल दूं, या प्रेजिडेंशियल पर डालूं, कि 10-15 लाख रुपए का चेक मैं ऐसे दिखा सकता हूं, आप आधा कमा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 लाख अच्छे नहीं लगते।
बट लोगों को चाहिए कि बस टाइटल करूंगा, ये तो भैया आजादी ना पाने के फॉर्मूले हो गए ना, करिए मिनिमम, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ता पकड़ लिया आपने, मात्र टाइटल के लिए काम करना है। अब ये देखिए एक और दिक्कत, ये आजादी ना पाने का एक और, एक ही लेग से सारा बिजनेस आता है। मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूं, मैं प्लेटिनम डायरेक्टर था, 12वें महीने में बना, मेरे पास 5 लेग हैं, 40% बिजनेस मेरा 2 लेग से आता है, 40% की 2 बड़ी लेग हैं। मैं 14 महीने में मैं प्रेसिडेंशियल बन गया, तो जो मेरी लेग बन रही है, जो मेरी लेग एक्स्ट्रा बन रही है, वो सिर्फ टाइटल के लिए बना रहा हूं मैं, कोई बिजनेस थोड़ा आता है वहां से, मात्र टाइटल के लिए मैं एक्स्ट्रा लेग बनाता हूं। मैं क्राउन भी बन जाता हूं तो भी मेरी एक्स्ट्रा लेग, प्लैटिनम से क्राउन बनने पर मैं सिर्फ अपनी लेग टाइटल के लिए बना रहा हूं, लेकिन मेरी ये 2 लेग स्ट्रांग है, लेग 1 लेग 2, सारा बिजनेस ही यहाँ है, कैसे आएंगे बताइए पैसे। इसलिए तो डर लगता है कि जीबीडी आ गया नीचे तो क्या होगा, बराबर टाइटल आ गया नीचे तो क्या होगा, ये डर फेलियर का डर है, क्योंकि मैं बाकी बिजनेस में लेग खड़ी नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूं जो मिनिमम पास मार्क्स है, फिर क्या डरना, शुक्र करो पैसे आ रहे हैं, कल ये छोड़ गए 2 लोग फिर क्या होगा, अगर ये 2 लोग सफलता नहीं हुए बिकॉज आपने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया या डरे, तो ये लोग छोड़ गए तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा, तो ये मिनिमम वाला काम मत करिए, अपनी हर लेग को स्ट्रांग बनाइए। देखिए बराबर में नहीं होंगी स्ट्रांग, कुछ बड़ा होंगी कुछ छोटी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1% का बाकी लेग से बिजनेस और 2 लेग से या 1 लेग से ज्यादा बिजनेस, ये फेलियर के फॉर्मूला है। तो याद रखिए आजादी आपके हाथ में है, वो 18 चीजें करोगे ना जो मैंने आपको बताई, फेलियर निश्चिंत है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीज के साथ देता हूं मैं आपको। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे टीम वालों, सिस्टम को सही फॉलो करो। प्रॉब्लम यह है कि ज्ञान की कमी नहीं, कितना ज्ञान सोचिए आपने पिछले 1 साल में लिया होगा, सोचिए आप ऐसे सोचिए कितनी जोमेटो, अगर मैं आपसे कभी 1-to-1 पूछूं कितना ज्ञान पाया आपने मीटिंगों में, मैं तो कभी कभी डूब जाता हूं इतना ज्ञान पा चुका हूं, मतलब मैं 25 साल ज्ञान देते हुए हो गए, लेते हुए सोचिए कितने साल हो गए, इतना ज्ञान बांटा, मतलब कभी कभी लगता है क्या करूंगा इतना ज्ञान बांटा, करना लोगों ने वही है जन को करना, वही बुरी आदतें, वही काम, वही सिस्टम ना फॉलो करना, वही सोचना नहीं कर सकते, वही मास्क नहीं पहनना, फिर कहना जी वहां कमी है कमी है, बस छोड़ो भैया। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आज हमने फेल होने का तरीका जान लिया है, कृपया करके अगर आप फेल नहीं होना चाहते इन तरीकों को ना अपनाए, नहीं तो फेलियर निश्चिंत है मेरे दोस्तों। तो पत्थरों में भी छेक हो जाते हैं जब पानी गिरता है, तो पानी जब पत्थर में छेक कर सकता है तो आप बताइए क्यों नहीं एक 6 लाख करोड़ डॉलर के जिस्म का पैसा वसूल नहीं सकते। ठीक है जी, तो अब तो बच गए भैया 7:15 बज गए हैं, दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, अब तो बोलना भी लॉक नहीं है इसके बाद, और इससे पहले कि आपके शहर में भी बोलने में लॉकडाउन लग जाए, मैं अपनी शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ एंड ऑल ओवर टू संजय जी। संजय जी ऑल ओवर टू यू, थैंक यू सो मच संजय जी, एंड एवरीबॉडी स्टे सेफ, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, थैंक यू सो मच संजय जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।